हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज जो है एक मैं आपको वर्कशीट दिखा रही हूँ जो ईवीएस का है, थर्ड क्लास के स्टूडेंट का है, ईवीएस का है। मैंने उसको पहले थोड़ा थोड़ा याद करवाया था। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो जिस भी बच्चे का एग्ज़ाम होता है मैं उसे थोड़े थोड़े पहले क्वेश्चन आंसर्स लर्न करवाती हूँ, उसके बाद पेपर के एक दिन पहले मैं इस टाइप का वर्कशीट तैयार कर देती हूँ और उसको एक टाइम के साथ देती हूँ ताकि वो उस टाइम पर कर सके और उसे पेपर में भी एग्ज़ाम करने की हैबिट रहे। अगर आपको भी इस टाइप की वर्कशीट मुझसे तैयार करवानी हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स करें और चैप्टर्स नेम और क्वेश्चन आंसर्स जो हैं, जिस किसी को भी इस टाइप की वर्कशीट चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और जिस भी सब्जेक्ट का वर्कशीट चाहिए उसका चैप्टर नेम मुझे मेंशन करें, मैं उससे रिलेटेड वीडियो जो है अपलोड कर दूँगी। इस चैप्टर में वाटर एनिमल्स था और लैंड एनिमल्स थे, तो उससे रिगार्डिंग मैंने ये टेस्ट शेयर किया है। इसमें मैंने गिव टू एग्ज़ाम्पल्स दिए हैं और इसके बाद जो है मैंने टू लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स डाले हैं, फाइव मैंने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स डाले हैं, फाइव मैंने फिलअप्स डाले हैं, ऑड एंड आउट डाले हैं जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें। तो इस टाइप से मैंने सब कुछ इसमें ऐड किया है जो भी एग्ज़ाम में आने वाला है। अब देखिए नसी क्लास के स्टूडेंट का मैं वर्क दिखा रही हूँ कि मैंने उसे क्या क्या करवाया हुआ है। तो यहाँ पे देखो और लिखो है, उसमें पिक्चर्स गिवन है, बच्चा जो है पिक्चर्स देख के लिखेगा। उसके बाद जो है चित्र बनाना भी हम सिखाते हैं, जैसे इजी लेटर्स, जैसे त से बनाना है, प से बनाना है, ट से बनाना है। अब चलते हैं एक फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट की तरफ। उसको मैंने एक मैथ्स का छोटा सा टेस्ट तैयार करके दिया है, आप देख सकते हैं। इसमें डोडिंग टेबल है, राइट इन वर्ड है, और व्हाट कम्स आफ्टर बिफोर है, एंड व्हाट कम्स बिटवीन दिया है। चलो देखो, समझो इसको। फाइंड द मिसिंग नंबर, ठीक है, इसमें मिसिंग नंबर लिखना है। टेन मोर देन यानी टेन इससे ज़्यादा नंबर, ठीक है, इससे टेन नंबर ज़्यादा आपको यहाँ पे लिखना है। आगे ये क्या है आपका, इस तरीके से लिखा हुआ है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है और इसको आप क्या करोगे, शॉर्ट फॉर्म। हाँ गुड, यहाँ पे भी सेम ऐसे ही होगा। अब यहाँ पे किस चीज़ का साइन है, ये माइनस का, तो इसमें से इसको माइनस करोगे। और मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता रखा है कि जब दो नंबर सेम हो तो आंसर इज ज़ीरो, ठीक है। कभी भी अगर माइनस में दो नंबर सेम आ रहे हैं तो आंसर ऑलवेज इज ज़ीरो, ठीक है। फाइव की टेबल सेवन बार पढ़ लेना या सेवन की टेबल फाइव बार पढ़ लेना। इसके बाद ऐसे ही एट की टेबल नाइन बार या नाइन की टेबल एट बार, ठीक है। अब यहाँ पे राइट द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, ठीक है, आपको इसमें प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों बताना है। तो प्लेस वैल्यू जो होती है ना, प्लेस वैल्यू में जो भी नंबर मेंशन हो, जैसे यहाँ पे टू है, तो ये कौन से प्लेस पे है, कौन से, हंड्रेड, तो हंड्रेड की प्लेस पे है, तो टू लिख के और इसके बाकी जो पीछे जो नंबर्स लिखे हुए हैं इनकी जगह पे आप जीरो लिख देंगे, वेरी गुड। लेकिन फेस वैल्यू में ये वाला नंबर एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, कोई जीरो नहीं आएगी। वैसे तो मैंने सारा करा रखा है। इसमें ऐसी खासियत, ये क्वेश्चन है ना, द ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर इज हंड्रेड, है ना। तो इसमें इसके लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ग्रेटेस्ट जो है डिजिट नंबर क्या होते हैं, ठीक है। ग्रेटेस्ट वन डिजिट नंबर इज नाइन, ग्रेटेस्ट वन डिजिट नंबर इज नाइन, ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर इज 99, वेल डन। ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर इज 999, जितने नंबर्स लिखे होंगे उतने नाइन बढ़ते जाएंगे, ओके। ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर इज 99, बना के दिखाओ 99, हाँ पहले बनाओ, 9000 होता है वो, अभी आपको मैंने थाउजेंड वाली काउंटिंग नहीं कराई ना, 9999, ये तो हुए हमारे ग्रेटेस्ट नंबर। समझ में आया इतना क्या रहा? अब आपको मैं स्मॉलेस्ट नंबर, इसी तरीके से मैं आपको स्मॉलेस्ट नंबर समझाती हूँ, फिर आपको ये जो स्टेटमेंट जो है ना ये समझ में आएगी।
चलो आ जाओ, अब स्मेलर्स नंबर समझते हैं। फर्स्ट वाला समझ में आ गया आपको? स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर, वन डिजिट नंबर इज जीरो। ठीक है, क्या होता है? जीरो। स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर इज टेन। वेल डन। स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर इज ट्वेंटी। नो ट्वेंटी। इसमें अब जीरो बढ़ती जाएगी, वन लगा रहेगा और ये जीरो बढ़ती जाएगी, हंड्रेड। आया समझ? अब आपको पता चल गया स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर इज हंड्रेड। अगर आप टू डिजिट लिखोगे, कि अगर आप यहाँ पे फोर डिजिट लिखोगे ना, तो यहाँ पे 1000 आएगा। अब इधर देखो, आपसे पूछा है ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर, तो 999, और स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर इज, यस बताइए, बिल्कुल बताइए। स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर अभी बताया मैंने, अभी जस्ट समझाया मैंने यहाँ पे, हंड्रेड। वेल डन, वेरी गुड, समझ में आया। अब आपका क्वेश्चन क्या है, यहाँ देखो क्वेश्चन है आपका, द ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर इज हंड्रेड। ग्रेटेस्ट फॉल्स। वाई फॉल्स? वाई फॉल्स? क्योंकि ये हंड्रेड ग्रेटेस्ट नहीं होता है, स्मॉलेस्ट होता है, क्योंकि उसमें जीरोस लगे होते हैं। हाँ, और ग्रेटेस्ट जो नंबर होता है थ्री डिजिट नंबर, वो क्या होता है? 999। अगर यहाँ पे लिखा होता द ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर इज 999, तो आप क्या लिखते तब? ट्रू। बट यहाँ पे तो लिखा है द ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर इज 100, तो 100 नहीं है, है ना मैम? लेकिन मेरी मम्मी तो बोलते हैं कि हाय गाइस, तो वीडियो को मैं करती हूँ एंड। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें एंड शेयर करें। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।